है, कर्टन मॉडल इसको बोलते हैं, और ये हमारे कंपनी का फीडिंग लाइन है, निपल लाइन है, जो कि ज़बरदस्त है, मार्केट में इसका डिमांड है। और हमारे व्यूअर जो पूछ रहे थे सर फीडिंग लाइन का और निपल लाइन का कितना खर्च आएगा, तो मैं आपको बता दूं, वीडियो में जैसे देख रहे हैं, एक फीडिंग लाइन, दो फीडिंग लाइन, और ये रहा तीसरा फीडिंग लाइन, और ये रहा चौथा फीडिंग लाइन, ये चार फीडिंग लाइन हो गया और पांच निपल लाइन है, एक दो जैसे देख रहे हैं तीन, और ये रहा चार, और लास्ट में एक निपल लाइन देख रहे हैं पांच। तो फीडिंग लाइन और निपल लाइन का ये लोग कास्ट पूछ रहे थे। तो इस सेट की मैं लंबाई बता दूं और चौड़ाई, सेट की लंबाई के अकॉर्डिंग ही हमारा निपल लाइन और फीडिंग लाइन का रेट भागता है, जितना, क्योंकि सेट की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगा फीडिंग लाइन भी उतना ही, ये यूनिट बढ़ता जाएगा तो इसका खर्च बढ़ता चला जाएगा। ये अभी 141 फीट लंबा है और 41 फीट चौड़ा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या हमारी कंपनी लिया है, वो मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, हम आपको दिखाते हैं। ये धुमाल इंडस्ट्री का बनाया हुआ है फीडिंग लाइन, निपल लाइन आप देख सकते हैं। और बहुत से लोग बीबर ये बोल रहे थे कि सर हमको नंबर ऑफ कूलिंग पैड और नंबर ऑफ फैन कैलकुलेशन करके हमको बताइए, कैसे फैन कैलकुलेशन करते हैं शेड में और कैसे पैड कैलकुलेशन करते हैं, निकालते हैं। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से, ये जो बनाया गया है शेड, ये बहुत ही कम खर्च में बना लिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 6.5 फीट इसकी हाइट है, और ये देखिए 1.5 इंची जो है, ये 1.5 इंची पाइप है, इसी के ऊपर बना लिया गया है। और ये जो पाइप देख रहे हैं मेन कॉलम जो है, ये कॉलम जो है हमारे ख्याल से 3 इंच का, 4 इंच का पाइप है ये। और इसका अलाइनमेंट देखिए कितना मस्त बनाया गया, फार्म है, लुक देखिए। अगर कोई कमेंट करेगा तो इसका हम ड्राइंग बना के दे देंगे, कम खर्च में देखिए कहाँ कहाँ पट्टी मार रखा है, ड्राइंग का कितने दूरी पे मार रखा है पट्टी, और कैसे असेंबल किया, कैसे फिटिंग किया है बताएंगे, तो इसका ड्राइंग हम बना के आपको दे सकते हैं। और बहुत कम खर्च में आप ऐसा एसी पोल्ट्री फार्म आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा मटेरियल ला लीजिए और ड्राइंग अपने यूट्यूब से कहीं देख लीजिए, या किसी यूट्यूबर से ड्राइंग बनवा करके किसी फार्म का, उसी हिसाब से आप अपने खुद मटेरियल ला कर बना लीजिए। जैसे कि देख रहे हैं ये फार्मर जो है अपने खुद ही बना रहा है, ये अपना मटेरियल ला लिया है और खुद ही अपने लेबर लगा करके ये काम करवा रहा है। ये बाहर का लुक है शेड का। और एक चीज आपको बता दें, ये जैसे शेड का ये देखिए सीमेंट सीट है, और ये देखिए दोनों के बीच में 2 फीट का गैप है, ये जो है हमारा शेड का साइज हाइट हो गया, जैसे कि सिलिकॉन लगाया देख रहे हैं, और ये जो है गैप है सीमेंट सीट के बीच में, और यहाँ देख रहे हैं गैप है ये, ठीक है। तो ये गैप रहने से फायदा है कि इसके अंदर जो है हीट जो रहेगा वो निकल जाएगा दूसरे साइड से, हवा के माध्यम से वो हीट जो है खत्म हो जाएगा और इसके नीचे हीट नहीं आने देगा। और जो फार्म का जो ड्राइंग बनाया है किसी ने, बहुत बढ़िया बनाया है, कम खर्च में कम लागत में, जैसे कि आप देख रहे हैं बना लिया गया है फार्म को। अगर आप कहेंगे तो इसका ड्राइंग मैं बना दूंगा और कैलकुलेशन करेंगे मटेरियल का, तो मटेरियल को तो मुझे प्राइस नहीं मालूम है मार्केट में क्या रेट चल रहा है लोहे का, लेकिन मार्केट में जो भी लोहे का रेट होगा आप मिला करके आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। ये मात्र जो है 1.5 इंची देख रहे हैं ये है, यहाँ से ये जो कॉलम है कॉलम कॉलम पर लगाया हुआ है, और ये जो है कॉलम से कॉलम पर लगाया गया है, ठीक है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कितना इसका पड़ा है, 4 फीडिंग लाइन है और 5 निपल लाइन है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम बता ही दिए हैं, और इस प्रोजेक्ट का टोटल हम कास्ट बता दे रहे हैं कितना कास्ट आया है, कितना खर्च आया है इसको बनाने में। ये देखिए हमारे पास इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पड़ा हुआ है, और ये देखिए निप्पल लाइन लिखा है, निप्पल सिस्टम फॉर शेड, शेड के लिए निप्पल सिस्टम जो दिया गया है ये है। और टोटल खर्च जो हमारा आया है
1,60,000 है NER, ठीक है, इंडियन रुपी। और जो है दूसरा फीडिंग का है, फीडिंग सिस्टम फॉर सेड, ठीक है, 180 kg, ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट खर्च फीडिंग लाइन का आ गया है 4,29,000 रुपया। 4,29,000 रुपया जो है ये फीडिंग लाइन का पड़ गया है, ठीक है। और निप्पल लाइन का 1,60,000। और इसकी लंबाई जो है 141 फीट लंबा है और चौड़ाई जो है 41 फीट है। और हम आपको दिखाते हैं क्या पड़ा है। ये वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम बोले तो जैसे वीडियो में हम आपको पहले दिखा चुके हैं, उधर वर्कआउट चल रहा है, कूलिंग पैड, कूलिंग पैड का हो वो खर्च आया है, टोटल कितना आया है खर्च, ये कूलिंग पैड का हो गया टोटल 5,49,000 कुछ 107 रुपया है। दोस्तों जीएसटी के अनुसार प्राइस कम बेसी भी हो सकता है स्टेट के अनुसार। कंट्रोलर यानी हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल की बात कर रहा है, वेंटिलेशन कंट्रोलर एंड एसोसरीज फॉर पोल्ट्री। एसोसरीज बोले तो कंट्रोलर के साथ हमारा जो देता है वो आपका फेलियर अलार्म यूनिटी रहता है, स्टेबलाइजर रहता है, सेंसर रहता है, ह्यूमिडिटी सेंसर रहता है, उसका भी बोल रहा है। टोटल वो हो गया हमारा, इधर प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं 2,80,000 ये हो कास्ट हो गया, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आप आएगा, यहाँ देखिए टोटल खर्च आया 15,82,000 रुपया टोटल इस फीडिंग लाइन का आ गया, जिसमें बहुत सामान है अभी आपको दिखाया नहीं है, लेकिन ये हमारी कंपनी का है कास्ट। और प्राइस कम बेसी भी हो सकता है स्टेट के अनुसार, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही रहेगा, कम भी हो सकता है इससे। वीडियो में ऐसे जो है 41 फीट है, लंबाई जो है आपका 141 फीट और हाइट ऐसे जो है 6.5 फीट है। ये हमारा कंपनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है हम आपको दिखा दिए हैं, ये देखिए धमाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का है ये। और फैन कैलकुलेशन आप लोग पूछ रहे थे तो फैन कैलकुलेशन भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।